नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 विषय हिंदी और अध्याय 10 झांसी की रानी के भाग 3 पढ़ा चुका हूं। आज के वीडियो में भाग 4 लेते हैं, झांसी की रानी जो कविता है उसका चौथा भाग आज के वीडियो में पढ़ते हैं, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस भाग में रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का गुणगान किया गया है और जब रानी अपने नाना के यहाँ बचपन में खेल खेला करती थी और वीरता के गुण उन्होंने सीखे थे, तो अब इस वीरता के गुणों को वह झांसी में किस प्रकार चरितार्थ करने लगी हैं उसके बारे में इसको बताया गया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है, जो सगाई है, वो झांसी के राजा जो थे सुख समृद्धि और प्रसिद्ध वैभवशाली राजा जिनका नाम था गंगाधर राव, उनके साथ उनकी सगाई हुई थी। तो जब वो सगाई हो गई उसके बाद में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राव गंगाधर जो झांसी के वैभवशाली राजा थे, सुख संपत्ति से भरे हुए, तो उनके यहाँ जब उनके साथ जब सगाई हुई तो ब्याह भी गंगाधर राव के साथ हुआ और रानी लक्ष्मीबाई जो हैं झांसी में आ गई, रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। तो जिस प्रकार से उनका राव गंगाधर जो थे उनके साथ विवाह हुआ और वो रानी बनकर झांसी में आई, तो पूरे झांसी के राजमहल में बधाइयों का तांता लग गया और सेनाइयाँ, खुशी की सेनाइयाँ बजने लगी और झांसी में भी बहुत ही खुशियाँ होने लगी। सुबट बुंदेलों की रुदावली सी वह आई झांसी में, और वह जो बुंदेलखंड के लोग जो उनके यश के गीत पूरी दुनिया में गाए जाते हैं झांसी की रानी के, तो उन यश के गीतों को लेकर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई उनको चरितार्थ करने आई थी, यानी अपने जो वीरता के गुण थे उनको वहाँ पर लेकर आई थी साथ में। तो जो वीर योद्धा बुंदेलों के थे, सुबट यानी वीर योद्धा बुंदेलों के, विरुद्धावली सी वे आई झांसी में, यानी जो बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा थे उनके द्वारा जो यश के गीत गाए जाते थे उनको साथ में लेकर वो झांसी में आई थी, यानी एक झांसी में वो रानी बनकर पधारी और वहाँ से उन्होंने अपनी वीरता के गुणों का प्रदर्शन किया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, कि उनका जो उनकी जो शादी हुई थी वैभवशाली राजा गंगाधर राव से, तो वो झांसी के राजा थे, तो उनका विवाह इस प्रकार हुआ जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ उस प्रकार से, और शिव से मिली भवानी थी, यानी शिव को भवानी मिली, दुर्गा माता मिली, पार्वती मिली और चित्रा को अर्जुन मिला, इस प्रकार से उनकी भी शादी जो थी वो वैभवशाली और सुख संपत्ति से भरपूर राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। तो उनकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार अर्जुन को चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव ने भवानी को पाया, उसी प्रकार झांसी की
रानी लक्ष्मीबाई ने राव गंगाधर को पाया। तो इस तुलना की गई है इनको। तो बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इस प्रकार की जो कहानी है वो हम बुंदेलखंड के लोगों से सुनते आ रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी जो झांसी की रानी थी, जो जिनका विवाह झांसी के राजा से हुआ तो इसलिए वो झांसी की रानी कहलाई। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी वह मर्दों की तरह लड़कर और अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था, यानी अंग्रेज़ों के विरोध में वह मर्दों की तरह लड़ा करती थी। तो इस तरीके से यह रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक महिला के वीरता को प्रदर्शित इसमें किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल अपन अगला वीडियो लेंगे। और इसको आप बार बार कविता को, बहुत अच्छी कविता है, इसको पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।